बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम अपने एक इंतहाई अहम कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नेम है इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जो कि बेसिकली काफ़ी पुराना ऑर्डिनेंस है, और इसमें काफ़ी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट्स आती रहती हैं, लेकिन बेसिकली ये 2001 का ही ऑर्डिनेंस है जिसमें सारे रूल्स और जो इसका स्ट्रक्चर है वो फ्रेम किया गया था। तो इसको हमने स्टार्ट करना है, लेकिन चूंकि इसमें एक वर्ड जो है ऑर्डिनेंस, इनकम और टैक्स पे तो हम बात डिटेल से करते ही रहेंगे। ऑर्डिनेंस 2001 ये जब बना था तो ये ऑर्डिनेंस क्यों कहलाया? आपको पता है 2001 में मुशर्रफ का दौर था, तो उस वक्त कई सारे ऑर्डर जो है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर से ही पब्लिश हुए थे, और जब कोई कानून प्रेसिडेंट के साइन से इशू किया जाता है उसको ऑर्डिनेंस कहते हैं। और ये सारी हम बातें इसी ही लेक्चर में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम, चूँकि ये एक लॉ है इनकम टैक्स का भी, तो हम लॉ के बारे में थोड़ी सी पहले बात कर लेते हैं कि लॉ होता क्यों है और वजूद में कैसे आता है, और इसके फिर सोर्सेज क्या हैं। तो जहाँ पे चंद लोग होते हैं वहाँ पे ज़िंदगी रस्म और रवाज की बुनियाद पर ही चलती रहती है, लेकिन जब सिविलाइजेशन बढ़ती है, जहाँ पे लोगों का जो हजूम है वो बढ़ता है, तादाद बढ़ती है, सिटीज़ वजूद में आते हैं, तो वहाँ पे हर एक के हकूक़ को महफूज करना दूसरों से जो, तो ये बहुत ज़रूरी होता है स्टेट के लिए। अदरवाइज़ माइट इज़ राइट का एक माहौल बन जाता है, और जिसका जो चाहे करता है। कानून इसीलिए बनाया जाता है ताकि जो सिविलाइज्ड लोग हैं उनको दूसरे लोगों के गज़ब से बचाया जाए, लूट खसूट से बचाया जाए, जुल्म व सितम से बचाया जाए, ताकि अगर कोई उन उसूलों को निगेट करे, निगलेक्ट करे, और उससे उस हद से तजावुज करे, तो कानून की गिरफ्त उसको पकड़ ले और जो मुआशरा है उसमें बेहंगम चीज़ें ना हों। तो इसके लिए जो वज़ा किए गए उसूल होते हैं उनको हम कानून कहते हैं। तो लॉ कैसे बनते हैं, हमें पता है कि हमारे मुआशरे में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखा देखी हम एक दूसरे को समझा रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, और वो हो रही होती हैं। उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें किताबों में वो चीज़ें लिखी हुई नहीं मिलती, यानी कि जब कोई बड़ा आए तो छोटा अपनी जो नशिस्त है छोड़ दे बड़े की इज़्ज़त के लिए। तो ये एक एक रस्म और रवाज है, या हमारा दीन हमें सिखाता है अदब व आदाब। तो जब चीज़ें ये मुआशरे के अंदर रस्म और रवाज इस हद तक आदत बन जाए कि वो बिल्कुल उनको जो क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाए, रस्म और रवाज इतने मजबूत हो जाए, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो राइटिंग में आ जाते हैं। जब राइटिंग में आ जाते हैं या फिर उसको कानूनी शक्ल दी जाती है, या कहीं उसको एक लाजिम मलजूम करार दे दिया जाता है स्टेट की तरफ से, तो उसको हम ला कहते हैं। तो ला इनफैक्ट हमें मुआशरे के जो असूल हैं, असालीब हैं, तरीक़ाकार हैं, उनके बारे में ही बताता है। तो ला की अगर हम बात करें कि ला को साथ में हम डिफाइन भी कर लेते हैं, लॉ के बारे में तो हमने बात की, अब इसकी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। कुछ डेफिनेशन जो इम्पॉर्टेंट सी हैं। ए लॉ इज़ ए रूल ऑफ कंडक्ट इम्पोज्ड एंड एनफोर्स बाय द सॉवरियन। सॉवरियन का मतलब है स्टेट। ये वो रूल और या ज़ाबता हयात है, कंडक्ट कहते हैं ज़ाबता हयात को, तो ज़ाबता हयात है यानी कि ज़िंदगी गुजारने के उसूल हैं जो कि स्टेट एनफोर्स करती है। दूसरे नंबर पर ये ऑस्टिन ने कहा था, लॉ इज़ द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज एंड अप्लाइड बाई द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी कि इंसाफ की फराहमी के लिए जो स्टेट एनफोर्स करती है या जो अप्लाई करती है। लॉ इज़ नॉट राइट अलोन और माइट अलोन, ना तो ये राइट अलोन है ना माइट अलोन है कि जिसकी जो ताकत है वो करे या जो करे तो वो ठीक हो, ये नहीं है, बल्कि जो एक वजह किए गए असूलों के मुताबिक करेगा तो ये मिक्स है, यानी कि माइट इज़ राइट इज़ नॉट राइट, जो है वो उसूलों के मुताबिक जो करेंगे वो राइट होगा, बट ए परफेक्ट कम्बिनेशन बिटवीन द टू, यानी कि राइट क्या है, माइट क्या है,
यानी कि ताकत का भी इस्तेमाल कौन करती है, स्टेट करती है। और राइट क्या होता है, जब स्टेट ने असूल वजह किए वो करोगे तो ठीक है। एक और डेफिनेशन है, लॉ इज कमांड ऑफ सॉवरियन कंटेनिंग ए कॉमन रूल ऑफ लाइफ फॉर हिज सब्जेक्ट्स एंड ओब्लाइजिंग देम टू ओबीडियंस, कि जो उसके मताहत लोग हैं वो उसको ओबे करें, और कॉमन रूल्स का नाम है, और ये सॉवरियन कंटेन करती है अपनी रियाया के लिए ताकि उसको वो फॉलो करें। चौथे नंबर पे कहा गया है, लॉ इज़ द सिस्टम ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विच द स्टेट एनफोर्सेज, स्टेट जो एनफोर्स करती है उसमें कुछ किसी के हकूक होते हैं, कुछ उसके फ़राइज़ होते हैं। तो फ़राइज़ और हकूक का मजमूआ जो कानून की शक्ल में स्टेट जो है वो एनफोर्स करते हैं अपने सिटीजन पे, उसको हम लॉ कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पैटर्न देयर आर टू साइड्स ऑफ लॉ, लॉ की दो साइडें हैं या दो अतराफ हैं। फ्रॉम वन साइड इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट बॉडी ऑफ रूल्स, एक साइड से देखें तो ये एब्स्ट्रैक्ट बॉडी ऑफ रूल्स है यानी कि कानून है। फ्रॉम द अदर इट इज़ सोशल प्रोसेस ऑफ कंप्रोमाइजिंग द कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ द मैन, कि जो लोग हैं उनके मफादात का जो टकराव है उससे बचने का दूसरा नाम है। अगर हम सोर्सेज ऑफ लॉ की बात करें, कानून कैसे वजूद में आते हैं, तो सबसे पहले लेजिस्लेशन है जो कि एनएक्टेड लॉज होते हैं। एनएक्टेड लॉज क्या होते हैं, जो कि पार्लियामेंट से पास होते हैं, यानी कि कौमी असम्बली में बिल पेश किया गया, उसके ऊपर वोटिंग की गई और उसके बाद सेनेट से पास होकर अल्टीमेटली प्रेजिडेंट से वो साइन होता है। दूसरे नंबर रूल्स रेगुलेशंस और बाय लॉज, जो रूल्स होते हैं रेगुलेशन होते हैं ये किस लिए होते हैं, कोई बड़ा कानून हो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करने के लिए जो बनाए जाते हैं, इनको प्रोसीजरल लॉ भी कहते हैं, यानी कि ये प्रोसीजर के बारे में बताते हैं कि ये काम ऐसे ऐसे करना है स्टेप वाइज। प्रेसिडेंट, जो पहले से गुज़श्ता कोई वाक़या हो जिसको हम रेफ़र करें या कोट करें, तो इनको केस लॉ भी कहते हैं और इनको प्रेसिडेंट कहते हैं। तो चौथे नंबर पे हैं कस्टम, कस्टम भी हमारे लिए जो लॉ का सोर्स होती हैं, यानी कि कई सारे रवाज ऐसे होते हैं जो लॉ बन जाते हैं, वो इनको टर्म्ड एज कस्टमरी लॉ हैविंग इट्स सोर्स इन कस्टम, यानी कि जिनका ताल्लुक रस्म व रवाज के साथ होता है या रस्म व रवाज से जन्म लेते हैं। पाँचवें नंबर पे एग्रीमेंट, जब दो लोग आपस में एक मुआहदा कर लेते हैं उनको एग्रीमेंट कहते हैं, और इसको कन्वेंशनल लॉ भी कहते हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो सोर्सेज ऑफ लॉ हम बात कर चुके हैं, लॉज इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में कानून की बात करें तो पाकिस्तान में मजलिस शूरा, जिसको जो कि दो ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी, ऐवान ज़ेरी जो होती है वो उसको कौमी असम्बली कहते हैं, और ऐवान बाला जो होता है उसको जो है वो सेनेट कहते हैं। तो ये दो हाउस होते हैं जहाँ पर कानून साजी होती है, और कोई भी बिल कौमी असम्बली से मूव होते हैं और वहाँ पर वोटिंग होती है, और उसके बाद सेनेट से उनकी वोटिंग होती है, उसके बाद चले जाते हैं सदर के साइन के लिए। और यहाँ पे हमारा जो आइन है, आइन का आर्टिकल 70 से लेके आर्टिकल 70 से लेके 77 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये लेजिस्लेचर के प्रोसीजर, यानी कि कानून साजी किस तरह होगी उसके प्रोसीजर के बारे में बताता है। और इसके अलावा आर्टिकल 89 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान टू प्रमलगेट लॉज, जिसको आर्डिनेंस कहते हैं, यानी कि जो आइन का आर्टिकल नंबर 89 है वो सदर पाकिस्तान को पावर देता है कि वो कोई आर्डर जारी करे। और ज़्यादातर यही होता है कि जब आपकी पार्लियामेंट इन सेशन होती है, यानी कि पार्लियामेंट अभी जैसे चल रही है, तो जब मौजूद हो तो वहाँ से कानून साजी करवाई जाती है। अगर कोई सदर पास करे आर्डिनेंस तो उसको विद इन 4 मंथ्स उसको पार्लियामेंट से रेटिफाई करवाना होता है, उसको पास करवाना होता है, अगर पास नहीं करवाएंगे तो वो नलीफाई हो जाता है। और इसके अलावा अगर कोई पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी तो प्रमलगेट किया गया ऑर्डिनेंस जो है वो कानून की शक्ल कर लेता है अख्तियार, और जब पार्लियामेंट फिर सेशन में आती तो उसको सिर्फ रेटिफाई करवाना होता है, अदरवाइज़ वो इनएक्टिव रहता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2000 के मुताबिक हम जो आगाज़ कर रहे हैं, और ये बेसिस हैं जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप पूरा कोर्स भी हम इसको आस्ता आस्ता सीखते जाएंगे, और बताएंगे कि टाइम टू टाइम कुछ चीज़ें चेंज होती हैं जो कि आप खुद रिव्यू कर लेंगे, क्योंकि बार बार पूरा कोर्स पढ़ाना मुश्किल होता है। और हम बुक फॉलो कर रहे हैं सिनॉप्सिस ऑफ टैक्सेशन मिर्ज़ा मुनव्वर हुसैन की लिखी हुई बहुत वसी किताब है, ICMA और ACCA वगैरह और सीमा और इसके अलावा
आई कैप में भी यही पढ़ाई जाती है, यानी कि सी ए वाले स्टूडेंट्स को भी यही पढ़ाई जाती है। तो एक दफ़ा हम इसको पढ़ेंगे, जो चीज़ें बार बार चेंज होने वाली हैं वो आप टाइम टू टाइम देख भी सकते हैं। और इसके अलावा ये कंप्लीट कोर्स जो है आप हमारी वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट आप हमारी विजिट कर सकते हैं, www.harvardacademy.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।